गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी रचिता एंड यू आर वाचिंग दैट लम गलजीता सो गाइस इफ यू न्यू टू माय चैनल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग लाइक माय वीडियो शेयर माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियोस यू कैन नोटिफाइड एंड यू कैन वॉच माय वीडियोस सो गाइस लेट्स क्विकली स्ट्रेट डाइव इनटू द व्लॉग सो यस गाइस आप ही की डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ और एक व्लॉग क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आपको व्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं व्लॉग्स तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ 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 आपको बहुत सारी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा काम आती है सो हियर आई एम सो आज ना मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज बताने वाली हूँ क्योंकि देखो फेस का ख्याल ना गाइस हम सब रखते हैं और मैं भी आपको फेस के लिए ना बहुत कुछ बताती रहती हूँ उस समय क्या होता है ना हमारी बॉडी जो होती है थोड़ी लेफ्ट ओवर सी रह जाती है उस पर हम ज्यादा खास ध्यान दे नहीं पाते हैं बट ऐसा नहीं है कि बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है फेस के साथ साथ ना बॉडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो आज हम पूरा ना ध्यान देंगे अपनी बॉडी पे फेस पे तो हम देते ही रहते हैं आप में से ना बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे एंड बहुत लोगों ने तो फेस किया भी होगा और वो क्या है वो है गाइस बॉडी एक्ने क्या आपने कभी सुना है कि हमारी बॉडी पे भी एक्ने होते हैं सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो तो उसका सोल्यूशन तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत लोग ना इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ना मेरा प्लान है बाहर जाने का शॉपिंग करने का आपने काफी बार देखा हो कि मैं आपके साथ काफी सारे हॉल शेयर कर रही हूँ आज कल ना मुझे शॉपिंग का बहुत ऐसे मान लो भूत सा चढ़ गया अभी है मॉर्निंग का टाइम मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद अच्छे से ना फ्रेशन अप होके फ्रेश मेकअप करके जाऊंगी और वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी सो मैंने सोचा कि जब मैं एक चीज ऐसी यूज कर रही हूँ जिससे मेरे बॉडी एक्ने को ना बहुत ज्यादा ना आराम मिला है एंड यू नो अभी मान लो से नेग्लिजिबल से है और थोड़े टाइम में ना वो भी चले जाएंगे बहुत सिंपल प्रोसेस है और उसको ना करने में आपको बिल्कुल भी ना आलस तो आएगा ही नहीं क्योंकि वन स्टेप सॉल्यूशन है गाइस वो फटाफट से कमेंट डाउन में लो कि कौन कौन डेली नहाता है आई एम श्योर सब लोग बोलेंगे कि यार मैं तो डेली नहाती हूँ मैं तो डेली नहाता हूँ सोप से बॉडी वॉश से किसी से तो नहाते ही होंगे सो क्यों ना आपका जो बॉडी वॉश है वो आपकी बॉडी एक्ने को दूर कर दे तो कैसा रहेगा सो बहुत इजी तरीका है आपकी जो बॉडी एक्ने है ना उसको दूर करने का सिंपल सा ही बॉडी वॉश आपको यूज करना है एंड बहुत बार क्या होता है ना हमारी फेशियल स्किन तो बहुत ज्यादा ना इसे ग्लोई ग्लोई हो जाती है बट फिर अगर मैं कहूँ तो हम बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं तो बॉडी की व्हाइटनिंग का ख्याल कौन रखेगा उसके लिए भी ना मेरे पास आपके लिए एक अच्छा खासा बॉडी वॉश है उसको भी अगर आप यूज करते हो ना तो आपकी ना जो स्किन है काफी अच्छे से ना एक से दो शेड लाइटन अप होएगी ही होएगी ये है वो दो बॉडी वॉश जो आजकल ना मैं यूज कर रही हूँ एंड सच में एक्ने भी जा रही है और स्किन की भी ना बहुत अच्छी केयर हो रही है एंड लाइटनिंग ब्राइटनिंग तो यू नो मस्ट है तो वो भी मैं कर रही हूँ ये है गाइस कोजी केयर का बी एक्ने बॉडी वॉश इसमें है सैलिसिलिक एसिड और कोजिक एसिड यह है कोजिक केयर का स्किन लाइटनिंग बॉडी वॉश जिसके अंदर है अल्फा ब्यूटीन कोजिक एसिड एंड नियासिनामाइड बी एक्ने बॉडी वॉश ने ये हमारी जो बॉडी की एक्ने उसको तो दूर करता ही करता है साथ ही साथ ना आपकी स्किन को भी ना डीपली क्लेंज कर देता है जितनी भी आपकी रफ स्किन होती है ना उसको स्मूथ कर देता है जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं हमारी स्किन पे सबको ना रिड्यूस करता है आराम से आप डेली यूज करो बहुत जेंटल है सूद करता है हमारी स्किन को और बिल्कुल भी ना ड्राइनेस नहीं लाता है हमारी स्किन में बहुत बार क्या हमारी स्किन ना रफ हो जाती है बंपी सी हो जाती है तो उसके लिए भी ना ये बेस्ट सोल्यूशन है So guys, say goodbye to stubborn body acne with Cozy Care's powerful Bee Acne Body Wash. इसकी जो इतने अच्छे benefits हैं ना वो हमें मिलते हैं इसके इंग्रेडिएंट से तो यहाँ पे ना मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए तो आप आराम से देख सकते हो पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है इन्हीं की वजह से ना ये बहुत अच्छा ना काम करता है दिस बी एक्ने बॉडी वॉश इज इन्फ्यूज्ड विद द एक्ने फाइटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड सूदिंग इफेक्ट्स ऑफ टी ट्री ऑयल दिस बॉडी वॉश इफेक्टिवली टारगेट्स एंड ट्रीट्स बॉडी एक्ने एंड यू नो व्हाट गाइस यू विल एक्सपीरियंस अ क्लियर स्मूदर स्किन इसको अगर आप यूज करोगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ना स्मूथ तो होगी होगी और ब्रेकआउट्स तो इतने कम हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब तो यार ब्रेकआउट्स बचे ही नहीं है जो आपके ब्रेकआउट्स हैं उसको तो ये हटाएगा एंड फ्यूचर में जो आने वाले ब्रेकआउट्स है ना उनको प्रिवेंट करता है उनको आने ही नहीं देता है एंड इस बॉडी वॉश को ना आप एक बार यूज करके देखो अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज ना आपके ऊपर काम नहीं की है तो डेफिनेटली ये करेगा ही करेगा ये देखो ये इस टाइप का काफी अच्छी क्वांटिटी है इसकी एंड ये है गाइस 300 ml का और ये ना आपको मिल जाता है अमेजोन पे एंड फ्लिपकार्ट पे और वैसे भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया तो वहां से आप आराम से चेक कर सकते हो बाय कर सकते हो इसको यूज करने का तरीका तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपको बॉडी वॉश की आप अपने हाथ पे ले लो या स्क्रबर पे ले लो अच्छे से ना उसको रब करो तो बस इसको रिंस कर लो वाटर से एंड आप एक्सपीरियंस करोगे धीरे धीरे डे बाय डे ना आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम थी ना वो भी चली जाएंगी एंड हाँ एक्ने के जो मार्क्स हैं वो भी नहीं रहेंगे अब अगर इस बॉडी वॉश की मैं बात करूँ ना जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए
सो इसके इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि इसके अंदर हमें मिल जाता है अल्फा ब्यूटिन, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड। इसको यूज करने के ना अपने आप में बड़े सारे फायदे हैं। देखो हमारी जो बॉडी स्किन होती है वो भी ना अनइवन होती है, भले ही हम ध्यान दें या ना दें, तो ये उस अनइवन स्किन को ना अच्छे से ना इवन आउट कर देता है, कि रफ और बम्पी स्किन को ना स्मूथ कर देता है, और डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन ये सब को भी ना हल्का कर देता है। फिर धीरे धीरे ना वो सारी चीजें चली जाती हैं। बहुत इफेक्टिव है ये। एंड अगर इनकी खुशबू की मैं बात करूँ ना, इतनी ज्यादा खास है नहीं, और यूज करने का तरीका तो इसको भी एग्जैक्टली सेम ही, क्योंकि बॉडी वॉश को तो हम वैसे ही यूज करते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज करते रहोगे ना, तो आप ना अपनी स्किन में काफी जल्दी ना चेंज भी देखोगे, ना आपकी स्किन ना अच्छे से ना इल्यूमिनेट होती है, एंड बहुत ज्यादा ना अच्छी लगती है। तो दिस कोजिक स्किन लाइटनिंग बॉडी वॉश इज एनरिच्ड विद कोजिक एसिड एंड विटामिन सी। This body wash helps lighten and even out the skin tone, reduce the appearance of dark spots and blemishes. This is perfect for those looking to achieve a more even and radiant skin tone. And this body wash leaves your skin glowing with confidence. And ये भी ना हमें मिल जाता है Amazon से एंड Flipkart से, तो guys check जरूर करना। सबसे पहली बात है कि बहुत ज्यादा affordable है, easily available है, Amazon है, Flipkart है, आराम से buy कर सकते हो, और इतने अच्छे इसके benefits है, इसके ingredients काफी ज्यादा अच्छे हैं, results काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो आपको ना result देंगे ही देंगे। Guys अब मैं होती हूँ रेडी, ड्रेस चेंज करती हूँ थोड़ा सा यू नो, और अच्छा सा मेकअप करती हूँ, फिर जाती हूँ एंड आपको भी साथ लेके चलती हूँ। सो बस अब मैं कर रही हूँ अपना क्विक मेकअप, जो कि हो गया है रेडी, होके निकल गई हूँ मैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग पे जाना ना बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है मुझे, एंड फाइनली पहुँच गई हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आजकल ना मुझे होम डेकोर का सामान इतना अच्छा लग रहा है ना, जहाँ देखती हूँ वहाँ से अगर मुझे पसंद आता है तो मैं डेफिनेटली ना ले लेती हूँ। ये भी नहीं सोचती कि इसको रखना कहाँ है, बट हाँ ये तो माइंड में एकदम मतलब रहता है आपको अपने घर में कि हाँ इसको वहाँ रख सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, और कहीं नहीं भी रख सकते हैं तो भी ले लेते हैं कि चलो कभी किसी को गिफ्ट देने के काम आ जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो आपको पसंद होती है ना वो रेयरली ही मिलती हैं। तो जो लेना था वो मैंने ले लिया। मैं आ गई हूँ दूसरे सेक्शन में। सो यहाँ पे ना आपको ढेर सारे ना शूज़ मिलेंगे, एंड मैं आपको अपने बारे में एक बात बताती हूँ कि मेरा जो शू साइज़ है ना वो एक्चुअली छोटा है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि मिलता नहीं है, तो मुझे जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा शू साइज़ मिल रहा है तो मैं 3-4 जोड़ी उठा लेती हूँ, क्योंकि बहुत बार मेरा दिल दुखता है कि यार वो चीज़ अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट साइज़ का इशू हो जाता है। जैसे कि यहाँ हूँ, आप देखो कलेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा है, ये देखो सिलेक्टेड पीस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली साइज का इशू है तो मुझे कुछ नहीं आया। तो जल्दी मैं फिर अपने टॉप्स वगैरह देखने के लिए जांच पड़ताल मैंने पूरी की कि ये लूँ या वो लूँ, नहीं कुछ भी ना मुझे समझ में आ ही नहीं रहा था। चेहरा देखो मेरा बिल्कुल उतर गया है, कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपको लगता है ना कि लाख आप इतनी दूर से आए हो, और यू नो वीडियो में कि मैं शॉपिंग करूँगी, और जब आप शॉपिंग के लिए आते तो आपको फिर कुछ भी नहीं मिलता। अब शॉपिंग पे आए हो, दो टॉप लिया तो क्या लिया, कम से कम 5-7 तो लेने बनते हैं ना, ताकि यार हॉल का काम हो जाएगा, बट हॉल लायक भी सामान हो ही नहीं पाया। फाइनली एट लास्ट ये लिया है मैंने, एक जिम वेयर, दैट्स ऑल गाइज, एक ही है अब इसको, तो मैं कभी आपको कहीं दिखा ही दूंगी, हॉल तो बन नहीं पाएगा, या फिर कभी कुछ लिया तो देखूँ। ये देखो ये वाला भी जो शू है ना मेरे को, ये वाली जो चप्पल है वो भी मुझे बहुत बड़ी है, एंड मैं इसको भी नहीं ले पाई। सो बहुत ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पे चली गई थी। कलेक्शन तो आप देखो भरा पड़ा है, बट साइज़ की बात करें तो एक तो जूते का साइज़ नहीं मिलता, कपड़ों में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ऑल इन ऑल मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा कि इसको लिया जाए या ना लिया जाए, देन मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी इसको मैं कहाँ ही पहनूंगी, घर के लिए बहुत लंबा है, बाहर के लिए भी थोड़ा वियर्ड था, तो छोड़। ये देखो इमेज प्रिंटिंग इनकी ऐसी होती है, इंडिया में रह गए, डॉलर्स में रेट लिखे हैं, पता नहीं, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा देना चाहिए कि ऐसी भी होती है। सो बस मैं वापस घर आ गई थी एंड ऑनलाइन ऑर्डर किया ये 5-star एंड KFC, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। सुबह आपके साथ बॉडी वॉश शेयर किए दो, वो जो टाइम था ना मेरा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद शॉपिंग तो आपने देख ही लिया कि मतलब ना के बराबर मैंने कुछ लिया, बट हाँ ये जो मेरा डिनर टाइम था ये मैंने बहुत इन्जॉय किया, चीट मील था तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, तो अच्छा तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है। सो मैंने बर्गर लिया था KFC से एंड स्प्राइट ली थी, और मैंने लिया था 5-star, तो बस उसको मिला जुला के खा लिया, एंड रियली गाइज इट वॉज रियली रियली अमेजिंग। एंड मैं साथ साथ ना मूवी देख रही थी नोरा फतेही की,
तो उसके साथ मैंने इंजॉय किया। एंड जैसे ही मेरा डिनर ख़त्म हुआ ना, मैं कूद पड़ी थी अपने डिज़र्ट पे। सो ये है वनीला आइसक्रीम, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप डाला है। आप ट्राई करना गाइज, आपको ना ये कॉम्बो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अपनी मूवी के साथ। आप क्या क्या करते हो वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। एंड गाइज, जो बॉडी वॉश मैंने आपको दिखाए ना दोनों, आप ट्राई करना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक मी लेटर। जो चलो फटाफट से बाय कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक भी कर देना। इतना अच्छा व्लॉग शेयर किया आपके साथ। बाय बाय।